हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास चल रही है और जिसमें हमने लेक्चर 17 कवर कर चुके हैं अब तक, और ये लेक्चर नंबर 18 है जिसमें हम पढ़ेंगे एलोंगेशन इन अ, क्या पढ़ने वाले हैं कोई बताएगा कि सर? एलोंगेशन इन अ टेपर्ड बार तो हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे एलोंगेशन इन अ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। कि सर, अगर सेल्फ वेट लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मींस उस पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, खाली उसके वेट की वजह से क्या एलोंगेशन आने वाला है, वो हम देखने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में। तो जल्दी से जल्दी लोग जुड़ जाइए, मतलब देखने लग जाइए इस क्लासेस को, क्लियर है? और सबसे पहली चीज़ मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि क्या सब लोग नोट्स बना रहे हैं? और अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं, सर हाँ बिल्कुल नोट्स बना रहे हैं। किस तरह से बना रहे हैं, एक बार फाइल अटैच हो सकती है तो फाइल भी अटैच करके दिखाएं, क्लियर है ना? सबके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो, क्लियर है ना? अब इधर देखो, दूसरी चीज़ आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता चल गया है, एलोंगेशन इन अ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सेशन हमारा किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं। गेट का एग्ज़ाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हुआ, स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का हुआ, या फिर किसी PSU का एग्ज़ाम हुआ, SSC JEE का हुआ, या फिर किसी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए किसी को पढ़ना हो, तो उसके लिए ये वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखोगे बहुत मज़ा आ जाएगा, जैसा कि सब लोगों को मज़ा आ रहा है। जिसको मज़ा लेना है स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू कर दे, क्लियर है ना? अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। अभी तक हमने बहुत सारी क्लासेस कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो पढ़ाने से पहले सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लो ताकि और ज़्यादा मज़ा आ जाए, नोट्स बनाते रहो साथ ही साथ। बिल्कुल ठीक है सर, मज़ा आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि अब हम देखेंगे हमारा जो सर टॉपिक है कि हमारा एलोंगेशन निकाल दो, किस में निकाल दो, प्रिज्मेटिक बार में निकाल दो ड्यू टू सेल्फ वेट। बिल्कुल देखेंगे, मैं कंपेरिजन भी करूँगा। अगर मैं सेल्फ वेट में ना देखता, खाली मैं प्रिज्मेटिक बार लेता और उस पर एक्सियल लोड लगा देता वेट के बराबर, तो क्या कंपैरिजन होता, वो भी हम क्या देखेंगे यहाँ पे आसानी से देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, चीज़ों को विजुलाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी, क्लियर है ना? इधर देखना कि ये टॉपिक चल रहा है हमारा क्या, एलोंगेशन एलोंगेशन इन प्रिज्मेटिक बार। PV का मतलब क्या है, प्रिज्मेटिक बार। सब जानते हैं प्रिज्मेटिक बार क्या होती है, ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से प्रिज्मेटिक बार में जो भी इलोंगेशन होगा वो निकाल दो सर, ठीक है। इधर देखो, हम कंसीडर करते हैं प्रिज्मेटिक बार, लो इधर देखो ये क्या है, ये सर कोई प्रिज्मेटिक बार है, लो कंसीडर कर ली कि सर ये इस तरह से कोई प्रिज्मेटिक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है सर। मान लिया ये प्रिज्मेटिक बार है, इस पर कोई भी लोड नहीं लगा, इसका वेट होगा कुछ ना कुछ, उसी से हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। इधर देखते रहना, बहुत मज़ा आने वाला है आज, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, वाह सर मज़ा आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर देखते रहो, सर मैंने अब कोई लोड नहीं लगा रहा कि इसी का कुछ ना कुछ वेट होगा, बिल्कुल होगा, इस मेंबर का वेट होगा, इस बार का वेट होगा, इस बार वेट की वजह से, इस वेट की वजह से ये कुछ ना कुछ एलोंगेट हो रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है सर, मान लिया हो रहा होगा। कि सर इसका वेट है क्या, वेट कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसकी कुछ वेट डेंसिटी बता दूं, लेट क्या सर, ये कोई लेट, गामा क्या है इसकी, वेट डेंसिटी, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और सर ये वेट डेंसिटी है तो क्या होती है, सर वेट का मतलब होता है न्यूटन यूनिट, और वेट डेंसिटी उसे बोलते हैं न्यूटन पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट बता देंगे, इसकी यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर क्यूब, बिल्कुल ठीक है सर। इधर फील करना कि अगर मुझे इसका वेट फील करना हो, इस पूरे ऑब्जेक्ट का या फिर पूरे बार का वेट अगर हमको ऑब्जर्व करना हो, फील करना हो, तो क्या मैं इसे ऊपर से पकड़ूंगा तो मुझे सारा वेट फील होगा, बिल्कुल होगा सर। कि अगर मैंने ऊपर से इसे होल्ड करके रखा है, इसका मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का वेट मैंने जहाँ होल्ड किया वहाँ आ रहा है, इसका मतलब इसका इतना वेट होगा। अगर मैंने यहाँ से पकड़ के देख रहा हूँ तो इसका वेट जीरो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, जिसे मैं डिस्टेंस x बोल रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, x डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ x इक्वल टू जीरो हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया ना, बिल्कुल हो गया सर। इसकी टोटल लेंथ मुझे बता दो कि सर इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, l होगी, बिल्कुल ठीक है, टोटल लेंथ क्या होगी, l होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब मैं टोटल लेंथ पे चला जाऊँगा l लेंथ पे, तब जाके मुझे इसका टोटल वेट फील हो रहा होगा, ठीक है, जो टोटल वेट जो होगा कैपिटल W के बराबर होगा, होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि इसका टोटल वेट एक्ट कर रहा है जो W है, लो 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 लो
मजा आ गया। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है सर। कि सर इस पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ ए पॉइंट और इस पॉइंट को बोल देता हूँ बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे जो है टोटल वेट फील हो रहा होगा और ये टोटल वेट की वैल्यू डब्ल्यू है और ये एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसीलिए मैं बोल दूंगा टोटल वेट एक्टिंग अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन डब्ल्यू। क्लियर है ना? अब मैं यहाँ से ये बताना चाहूँगा कि ये टोटल वेट है क्या, इधर देखते रहना, ये टोटल वेट है क्या, क्या इतना क्लियर है? ये टोटल वेट है क्या सर? ये टोटल वेट जो होगा इसको मैं कैपिटल डब्ल्यू लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, कि इसका मतलब ये हुआ सर ये जो टोटल वेट है ये पूरे मेंबर का है और अगर इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी मान लो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि सर टोटल वेट फील करना है तो इसका एरिया बता दो, लेंथ बता दो, ये तो वॉल्यूम बताएगा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। मींस अगर ये गामा जो वैल्यू दे रखी है ये क्या है, एक मीटर क्यूब के लिए न्यूटन है, मींस एक यूनिट वॉल्यूम के लिए इसका वेट गामा है, तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूँगा तो इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूँ, बिल्कुल कर दो सर, तो हमारा क्या आ जाएगा कि सर गामा इंटू वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, और ये हो जाएगा टोटल लेंथ, टोटल हमारा क्या वेट जो एक्ट कर रहा है कहाँ, फिक्स पॉइंट पे और टू वर्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन एक्सियल डायरेक्शन। बिल्कुल सही है सर, मजा आ गया, क्लियर है। लेकिन सर क्या मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ तो x इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे वेट क्या फील हो रहा होगा, जीरो फील हो रहा होगा, और यहाँ पे हम तुरंत लिख देंगे यहाँ पे जो वेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल होगा, क्लियर है। इसका मतलब ये एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या मैं इसको एक तरह का एक्सियल लोड बोल दूँ, बिल्कुल बोल दो सर, ये एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है इसीलिए हम एक्सियल लोड भी बोल सकते हैं, एक्सियल लोड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वेट है एक्सिस के अलोंग लग रहा है, एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो मैं तुरंत बोल दूंगा एक्सियल लोड होगा और इसकी वजह से ये मेंबर कुछ ना कुछ खिंच रहा होगा, नीचे की साइड जा रहा होगा, और अगर ये खिंच रहा है इसी को तो हम एलोंगेशन बोल रहे हैं कि सर ये एलोंगेशन बता दो कितना हो रहा है सेल वेट की वजह से। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि जैसे जैसे मैं एक्स मूव कर रहा हूँ ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मीन्स लोड चेंज हो रहा है। और अगर यहाँ वेरिएबल पैरामीटर आ गया तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जहाँ पर भी वेरिएबल पैरामीटर आ जाए मेरे दोस्त क्या हो रहा है, जहाँ पर भी वेरिएबल पैरामीटर आ जाए तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं एलोंगेशन। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। इधर देखो तो क्या करें सर, इंटीग्रेशन अगर करना है तो सर एक चुन्नू सी स्ट्रिप लो, बिल्कुल ले लो, एक चुन्नू सी स्ट्रिप लेंगे, उसका हम एलोंगेशन चेक करेंगे, मीन्स डेल्टा चेक करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से एल, तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लो मैं चुन्नू सी स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूँ और ये चुन्नू सी स्ट्रिप यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमने कंसिडर कर ली, ये रही, लो लो लो, वाह मज़ा आ गया, बिल्कुल ठीक है कि सर ये एक्स डिस्टेंस पे है लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी चुन्नू सी स्ट्रिप की, ये डी एक्स मान लो, बिल्कुल ठीक है सर। इसका एरिया हमें पता चल गया एक्स पे, बिल्कुल पता चल गया। यहाँ पे जो लोड लग रहा होगा इस चुन्नू सी स्ट्रिप का, क्या वो जो लोड होगा मैं उसे एक्सियल लोड पी एक्स एक्स बोल दूँ, बिल्कुल बोल दूँ सर। एक्स क्रॉस सेक्शन पे कुछ पी एक्स एक्स लोड लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या वो पी एक्स एक्स की वैल्यू क्या डब्ल्यू एक्स एक्स के बराबर होगी वेट एट द क्रॉस सेक्शन एक्स, बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया। इधर देखना कि मैं यहाँ पे एट द स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, एट द स्ट्रिप, क्लियर है, तो यहाँ पे जो लोड होगा वो डब्ल्यू एक्स एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा, और वही मैं बोल दे रहा हूँ पी एक्स एक्स के बराबर है, दोनों चीज़ क्या है सेम है, हमने मान लिया। और क्या ये वैल्यू गामा इंटू एरिया तो सेम चल रहा है हर जगह, कितनी लेंथ तक जा रहा है ये एक्स तक जा रहा है, तो इतना फील हो रहा होगा वेट, बिल्कुल हो रहा होगा सर, ये वाला वेट हमको फील हो रहा होगा गामा इंटू एरिया इंटू एक्स, इतनी डिस्टेंस का जो वेट होगा, मतलब इतने पोर्शन का जो वेट होगा वो यहाँ फील हो रहा होगा, इतने पोर्शन का जो वेट होगा वो यहाँ फील होगा, इतने टोटल पोर्शन का वेट होगा वो यहाँ फील होगा, और यहाँ पे तो कुछ फील होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ क्या है जीरो वेट है, बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया। हमको वेट पता चल गया इतना होगा, इसका मतलब ये हुआ एरिया चेंज हो रहा है क्या, एरिया अगर मैं बात करता हूँ एक्स एक्स पे, इधर देखते रहना मज़ा आने वाला है, अब बस सब रखो, बहुत मज़ा आने वाला है, इधर देखना अगर मैं बात करता हूँ सर एरिया एक्स एक्स पे, बता दो इस क्रॉस सेक्शन पे एरिया चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा, क्यों, क्योंकि ये जो है प्रिज्मेटिक बार है और प्रिज्मेटिक बार का मतलब है थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्या है सेम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, लो मटेरियल प्रॉपर्टी में बोल देता हूँ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई होगी, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, हम मोस्टली कंसिडर करेंगे और इसी को हम बोल सकते हैं मेगा पास्कल, लो मजा आ गया, क्लियर है, ठीक है। ये ई एक्स एक्स की बात करता हूँ क्रॉस सेक्शन पे, तो ये भी क्या है ई के बराबर है, ये भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि सर मुझे डेल्टा स्ट्रिप बता दो, डेल्टा ऑफ स्ट्रिप,
क्या बता दो कि सर डेल्टा ऑफ स्ट्रिप बता दो। अब डेल्टा स्ट्रिप जो निकलेगा इधर देखना कि सर ये क्या होता था कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में निकाल रहा हूँ पी एक्स एक्स बताओ इनटू इसकी लेंथ बताओ क्या होगी डी एक्स होगी ना। इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ तो स्ट्रिप पे जो लोड लग रहा है एक्सियल डायरेक्शन में वो पी एक्स एक्स है क्या पी एल अपॉन ए ही नहीं होता था क्या। लो लो लिख लो पी एल अपॉन ए ही फॉर्मूला होता है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन की तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कि सर सर समझ आ रहा है सबको बिल्कुल समझ आ रहा है सब ठीक है मजा आ गया। इधर देखना कि सर एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे लोड बताओ पी एक्स एक्स है लेंथ क्या है इसकी डी एक्स है एरिया क्या है वो एरिया के बराबर है ई एक्स एक्स क्या है ई के बराबर है। मैं तुरंत लिख दूंगा यहाँ से डेल्टा स्ट्रिप जो आएगी इधर देखते रहना मैंने इसको बंद कर दिया मजे से बोला सर कैद क्यों करते जा रहे कैद करने में मज़ा आ रहा है इधर देखते रहो इधर देखते रहो क्या चल रहा है कि सर डेल्टा जो स्ट्रिप आएगी क्या आएगी डेल्टा स्ट्रिप कि पी एक्स एक्स की वैल्यू तो हमें पता है सर मैं लिख सकता हूँ पी एक्स एक्स इंटू एल लेंथ कितनी डी एक्स अपॉन एरिया सेम है ई सेम है ये आएगा सर बिल्कुल ठीक है। पी एक्स एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से गामा ए एक्स लिख दूँ सर कि सर मैं गामा एरिया इंटू एक्स इंटू डी एक्स चल रहा है और नीचे एरिया इंटू क्या चल रहा है ई चल रहा है ये तो आ गई हमारी डेल्टा स्ट्रिप बिल्कुल ठीक है सर। मुझे टोटल डेल्टा चाहिए टोटल डेल्टा मीन्स इस पूरे बार का क्या चाहिए एलोंगेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेके एल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर दो एल तक इंटीग्रेशन कर दो और हमको मिल जाएगा मजा। इधर देखते रहो कि सर क्या सर कि सर टोटल चाहिए मुझे प्रिज्मेटिक बार का किसकी वजह से ड्यू टू सेल्फ वेट। इधर देखते रहो बहुत मजा आ रहा है आज तो कितना क्लियर है कि सर प्रिज्मेटिक बार का एलोंगेशन हमें चाहिए सेल्फ वेट की वजह से। इसका मतलब इस स्ट्रिप को इंटीग्रेशन कर दूं बिल्कुल कर दो सर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से एल डेल्टा ऑफ स्ट्रिप कर दो आय हाय क्लियर है। तो मैं यहां से निकालूंगा डेल्टा ऑफ प्रिज्मेटिक बार इधर देखते रहना बार बार सेल्फ वेट नहीं लिख रहा डेल्टा स्ट्रिप बार क्या है गामा ए एक्स डी एक्स अपॉन ए इंटू ई और इंटीग्रेशन हो रहा है जीरो से एल मजा आ रहा है ए से ए को चीर दो बिल्कुल चीर दो सर। क्या गामा और ई कांस्टेंट है क्या गामा और ई कांस्टेंट है बिल्कुल कांस्टेंट है। गामा ई को क्या निकालो बाहर निकालो मैं तुरंत देख दूंगा कि गामा ई तो क्या आ गए बाहर आ गए गामा पोन ई। एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में अंदाजा बता दे एक्स स्क्वायर बाई टू होता है ठीक है एक्स स्क्वायर बाई क्या कर दो टू कर दो और यहाँ से लिमिट लगा दो जीरो से एल और ये आ जाएगा डेल्टा प्रिज्मेटिक बार मीन्स इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा सुनाई तो दे रहा होगा लिख लेना या सेल्फ वेट छोटा इसीलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये बोर्ड क्या है छोटा है चुन्नू है। इधर देखते हो कि सर यहाँ से आ गया गामा लिमिट रखा हमने एल स्क्वायर हो गया अपॉन क्या हो गया टू ई हो गया और ये आ गया हमारा प्रिज्मेटिक बार्क का एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो रही सर ये कांस्टेंट वैल्यू ये कांस्टेंट क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे इसके चांसेज इलोंगेट होने के बहुत ज़्यादा है देखो कैसे लो मज़ा आ गया कि अगर इसको मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो जल्दी टूटने के चांसेज होंगे क्योंकि बड़ी चीज़ जल्दी टूट जाती है बिल्कुल ठीक है सर। अगर वेट हमारा सेम है और इसकी लेंथ क्या चुन्नू सी है कभी ज़िंदगी में इलोंगेट नहीं हो सकता लेकिन मैंने वेट को क्या किया उतना ही रखा और लेंथ को क्या कर दिया बढ़ा दिया और लेंथ को अगर बढ़ा दिया तो चांसेस ब्रेक डाउन होने के क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे एलोंगेशन होने के भी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है रिजल्ट इधर देखते रहना कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर रिजल्ट डिपेंड कर रहा है। सर क्या बोल दिया आपने हमको तो समझ ही नहीं आया इधर समझते रहो मज़ा आ रहा है कि सर क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करता हूँ क्या प्रिज्मेटिक बार के एलोंगेशन में चेंज होगा बिल्कुल नहीं होगा। देखो कहीं रिजल्ट में आ रहा है क्या बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ हम तुरंत बोल देंगे कि प्रिज्मेटिक बार का एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज इंडिपेंडेंट ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोल दिया फारसी में हिंदी में समझ लो कि सर अगर मैं प्रिज्मेटिक बार का एलोंगेशन निकालता हूँ ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से तो क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाओ चाहे घटाओ प्रिज्मेटिक बार का एलोंगेशन क्या रहेगा सेम रहेगा ड्यू टू सेल्फ वेट। बहुत ही मज़ा आ गया इधर देखो क्लियर है इधर देखो ये तो हमारा ये आ गया क्लियर है ना। और हम इसको मैं गामा को रिप्लेस भी कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट गामा को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट रिप्लेस करूँगा तो हम जानते हैं क्या जानते हैं इधर देखते रहना कि W इज इक्वल टू क्या है गामा ए एल है बिल्कुल है ये है ना W इक्वल टू गामा ए एल। क्या मैं यहाँ गामा की वैल्यू लिख सकता हूँ गामा इक्वल टू W अपॉन ए एल आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा और गामा को यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इधर देखना मैं इसको गामा को रिप्लेस करूँगा यहाँ पर पुट करूँगा करो पुट और पुट करने के बाद क्या मिलेगा इधर देखते रहना इसको मिटा रहा हूँ अब मिटाना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है नहीं हमारे पास। इस डायग्राम को भी मिटा दूँ क्या बिल्कुल मिटा दो सर हाँ ठीक है चलो वेरी गुड इधर देखते रहो
सर जैसे ही मैंने गामा की वैल्यू डब्ल्यू अपन ए एल यहाँ पर रखी, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि डेल्टा ऑफ प्रिज्मेटिक बार जो होगा वो क्या होगा कि सर गामा की जगह डब्ल्यू हमने क्या लिख दिया अपॉन ए एल इन टू, यहाँ पर एल स्क्वायर चल रहा है पहले से, ये चल रहा देखो इन टू क्या चल रहा है टू ई चल रहा है, बिल्कुल सही है। इस एल से इस स्क्वायर को तबाह कर दो सर, ऊपर क्या बच रहा है डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई नीचे बचा, इसको हम लिख सकते हैं प्रिज्मेटिक बार का एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ये दोनों रिजल्ट हैं। कौन कौन से दोनों रिजल्ट हैं इधर देखना, ड्यू टू सेल्फ वेट, चाहे तो मैं इसे डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई लिखूँ, चाहे ऐसे दिया हो क्वेश्चन में, चाहे मैं ऐसे लिखूँ गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई, दोनों चीज़ क्या है सेम है, बिल्कुल 100% सेम है। इधर देखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी मैं इसको क्या करूँगा कंपेयर और करूँगा तो मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आ रहा है मेरे दोस्त, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देखते रहो कि सर पहली चीज़ ये डब्ल्यू क्या है, टोटल वेट है, यहाँ पे लिख लेना टोटल वेट ऑफ किसका बार का, प्रिज्मेटिक बार, पीवी का मतलब पंजाब नहीं है, प्रिज्मेटिक बार है। देखो इधर देखते रहो, प्रिज्मेटिक बार टोटल वेट किस में होगा, न्यूटन में होगा, बिल्कुल सही है, यूनिट, ठीक है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि डेल्टा प्रिज्मेटिक बार जो है हमारा सेल्फ वेट की वजह से क्या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, क्योंकि ये चीज़ें तो क्या कांस्टेंट है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रही है, ऐसे ऐसे क्या होगा ये चेंज होगा। मीन्स मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, क्रॉस सेक्शन है। इधर देखते रहना, ये क्वेश्चन बनते हैं, पूछता है इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, लो मजा आ गया, कहता हूँ क्लियर है कि क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है प्रिज्मेटिक बार का एलोंगेशन, यहाँ तक हमने देख लिया। अभी बोलेगा सर स्ट्रेस क्या होगी, सर बार बार हम कल भी तो स्ट्रेस निकाल रहे थे ना, कल क्या कर रहे थे सर, बार बार स्ट्रेस निकाल रहे थे, तो यहाँ पे भी स्ट्रेस बता दो क्या होगी। और स्ट्रेस हम एक ही चीज़ जानते हैं, स्ट्रेस क्या होती है सर, फोर्स बता दो, फोर्स मीन्स एक्सियल लोड बता दो डिवाइड बाई पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, वही क्या होगी स्ट्रेस होगी। और इधर देखते रहो, लो मजा आ गया, इसको मिटा दो सर स्ट्रेस और बता दो क्या होगी, इसका मतलब स्ट्रेस भी चेंज हो रही होगी क्या, अगर क्रॉस ये लेंथ के साथ स्ट्रेस चेंज हो रही है क्या, अगर लोड चेंज हो रहा है, देखते रहो मज़ा आ रहा है। कि मैंने बोला था ये हमारा डायग्राम था, डायग्राम बनाऊं क्या, लो बना लो संतुष्टि के लिए, कि सर ये हमारा क्या था डायग्राम था, जल्दी देखना फटाफट, कुछ इस तरह का डायग्राम था, ठीक है हमने डायग्राम बना लिया, और यहाँ पर टोटल वेट लग रहा था डब्लू, बिल्कुल लग रहा था, और ये अगर क्या इसकी एक्सेज है तो क्लियर है, टोटल वेट क्या लग रहा था, ये डब्ल्यू लग रहा था, और ये डब्ल्यू क्या है इतना है, यहाँ पे लग रहा था, इस पॉइंट पे डब्ल्यू क्या था जीरो था, मैं तुरंत लिख दूंगा डब्ल्यू क्या है जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है जीरो, और यहाँ पे डब्ल्यू क्या था डब्ल्यू के बराबर था, वो क्या था गामा ए एल, और एक्स इक्वल टू क्या थी एल। अगर मैं एक्स पे जाता हूँ किसी एक्स डिस्टेंस पे, लो एक्स डिस्टेंस पे चला गया, यहाँ पे हमने बोला था जो डब्ल्यू एक्स एक्स है वही पी एक्स एक्स बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो किसके बराबर है गामा ए एक्स के बराबर है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। तो हमें स्ट्रेस चाहिए, इसका मतलब हर जगह पे लोड वेरिएशन आ रहा है, जीरो से लेके एल तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस भी वेरी करेगा, और स्ट्रेस हम जानते हैं, स्ट्रेस की बात करें तो अगर मैं सिग्मा एक्स एक्स पे निकालना चाहता हूँ तो मुझे पी एक्स एक्स बता दो, और एरिया तो क्या है हर जगह सेम है ना, देखो ये प्रिज्मेटिक बार है तो एरिया क्या है हर जगह सेम, तो पी एक्स एक्स मैं लिख सकता हूँ गामा ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, गामा से गामा को चीर दो, हम तुरंत बोल देंगे सिग्मा एक्स एक्स पे जो है क्रॉस सेक्शन पे या फिर स्ट्रिप पे वो क्या है गामा एक्स, और मैं तुरंत बोल दूंगा गामा क्या है एक्स, तो सिग्मा जो है हमारी सिग्मा स्ट्रेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है एक्स है, कोई ये भी क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, जरा देखते रहो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। एक चीज क्लियर हो गई साहब बिल्कुल, कि चाहे एलोंगेशन निकाल लो चाहे स्ट्रेस निकाल लो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बट एलोंगेशन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक लेंथ के। अभी बोलेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेस अगर हमें निकालना है क्या निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करूँ तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी जहाँ लेंथ मैक्सिमम होगी मीन्स लोड जहाँ ज़्यादा होगा, इसका मतलब मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी गामा ऑफ एल के बराबर हो जाएगी 100% हो जाएगी, क्योंकि एक्स एट एक्स इक्वल टू एल ही क्या है मैक्सिमम स्ट्रेस होगी 100% होगी, क्या इतना क्लियर है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस ये आ गई इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये हमारा आ गया सेल्फ वेट की वजह से क्या एलोंगेशन इन प्रिज्मेटिक बार, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ क्या एरिया है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ,
क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब मुझे एक चीज़ और बता दो कि मान लो मैं सेल्फ वेट नहीं लेता हूँ, कि मैंने मान लिया कि सेल्फ वेट अगर मैं नहीं ले रहा हूँ, तो अगर खाली अगर मैं इससे प्रिज्मेटिक बार लेता और इस पर इसी वेट के बराबर एक्सियल लोड लगा देता तो क्या वेरिएशन आता है? इधर देखना, इसका जो लोड है हमने बोलिया डब्ल्यू एल अपॉन टू ए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। इधर देखते रहना, इधर देखते रहना। अब मैं इस वेट को क्या करूँगा, इस वेट को, टोटल वेट को एज एन एक्सियल लोड लगा दूंगा फ्री एंड पे, तब रिजल्ट हमको क्या दिखाई देगा वो और देख लेते हैं। लो, क्या इसको मिटाऊं? बिल्कुल मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आ गया यहाँ तक चीज़ें क्या हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखते रहो, ये आया था हमारा सेल्फ वेट की वजह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ कि सर मैं कोई एक प्रिज्मेटिक बार ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? प्रिज्मेटिक बार, ये हमारा कोई प्रिज्मेटिक बार है, देखते रहना, इधर देखते रहो, ये क्या है? प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। और इस पर मैं एक्सियल लोड लगा रहा हूँ, अप्लाइड बाय एन एक्सियल लोड, दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख रहा है, चलो सर ठीक है। बाय एन एक्सियल लोड, क्या? प्रिज्मेटिक बार अप्लाइड, क्या लिख दिया पता नहीं, इधर देखते रहो, लैंग्वेज को सही कर लो। इफ, क्या? इफ एन एक्सियल लोड ऑफ वेट इक्वल, ऑफ इक्वल वेट लिख लेना, ऑफ इक्वल वेट ऑफ प्रीवियस केस इज अप्लाइड एट फ्री एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बार, ऑफ प्रिज्मेटिक बार, देन देन क्या होगा? इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्रिज्मेटिक बार है, ले लिया हमने, बिल्कुल ले लिया, और मैंने बोला कि जो पहले का वेट था, जो यहाँ पे लटका हुआ था वेट, उस वेट के बराबर मैंने एक एक्सियल लोड लगा दिया यहाँ, डब्लू, लो बिल्कुल लगा दिया, ये है डब्लू। अब देखो मज़ा आने वाला है, क्लियर, क्लियर है ना? ये हमने क्या लगा दिया? डब्लू लगा दिया। इधर देखना, ये इसकी क्या है? टोटल लेंथ है एल, बिल्कुल सही। ये इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कुछ कुछ ई की वैल्यू होगी, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ अगर फ्री एंड पे W लगाए तो हर जगह W होगा? बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने W लगाया तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ रही होगी, और वो रिएक्शन क्या होगी? W के बराबर होगी। देखो W का एक एक्सियल लोड दिखाई दे गया जो टेंसाइल नेचर का है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें एलोंगेशन निकालना चाहता हूँ, तो हम जानते क्या होगा? पी एल अपॉन ए ई होता है, यही फॉर्मूला था ना, पी एल अपॉन ए ई। क्या पी हर जगह सेम है? बिल्कुल सेम है, हम तुरंत बोल देंगे पी इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्या है? हर जगह कॉन्स्टेंट है, तो मैं डेल्टा लिख दूंगा। ये क्या होगा कि ये डेल्टा जो होगा डब्ल्यू एल अपॉन क्या हो जाएगा? ए ई हो जाएगा। लो, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल अपॉन ए ई। अब इधर देखना कि सर जब मैंने इसी प्रिज्मेटिक बार को सेल्फ वेट की वजह से निकाला था, जब एक्सियल लोड नहीं लगाया था, सेल्फ वेट की वजह से निकाला था, तब इसका जो इलोंगेशन आया था वो कितना आया था? डब्ल्यू एल अपॉन टू ए। इसका मतलब अगर मैं इसी डब्ल्यू को, वेट को, अगर मैं एज ए एक्सियल लोड लगाता हूँ एट द फ्री एंड, तब ये जो इलोंगेशन आ रहा है डब्ल्यू एल अपॉन ए आ रहा है। क्या जो सेल्फ वेट की वजह से जो आ रहा है, क्या हाफ नहीं है क्या इसका? बिल्कुल है, कि सेल्फ वेट की वजह से जो आया है वो डब्ल्यू एल अपॉन टू ए आया है। ये आया, देखो डब्ल्यू एल अपॉन टू ए सेल्फ वेट की वजह से, मीन्स इसका क्या है? ये हाफ है, बिल्कुल है। तो हम तुरंत बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट क्या है, इधर देखना, स्टेटमेंट जिसको लिखना है लिख सकता है, इधर देखो, बाकी ये लिखा हुआ है कि इफ इफ डब्ल्यू इज अप्लाइड एज एन एक्सियल लोड एट द फ्री एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बार, एट द फ्री एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बार, देन द इलोंगेशन इन द प्रिज्मेटिक बार इज ट्वाइस एज द इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट व्हेन डब्ल्यू इज एक्टिंग एट द फिक्स एंड। क्या क्लियर है सबको? बाकी फिर भी किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो क्या करना है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है कि अगर मान के चलो कल को पूछ ले कि सेम लोड, सेम वेट का लोड अगर मैं क्या लगाता हूँ इस पर, प्रिज्मेटिक बार पे लगा देता हूँ एज एन एक्सियल लोड, तब इसका जो सेल्फ वेट का जो इलोंगेशन होगा वो हाफ होगा इसके, क्लियर है ना? हाफ होगा एज अ क्या? प्रिज्मेटिक बार के। क्या इतना क्लियर है? ड्यू टू एक्सियल लोड। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ गया। अब इधर देखना, अभी मैं बात करता हूँ कि ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर समझना चीज़ों को। क्या मिटा दूँ इसको? बिल्कुल मिटा दूँ सर। तो एक एग्जांपल लेता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों हमने रिलेट कर लिए, इसको लिख लेना इसी तरह कि अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं दो केस ले रहा हूँ, इधर देखना, एग्जांपल है बहुत ही शानदार,
कि मैंने एक क्या लिया, प्रिज्मेटिक बार लिया, प्रिज्मेटिक बार है, इसकी मैंने लेंथ ले ली क्या एल, क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, हमने लेंथ ले ली एल, और ये डायमीटर ले लिया क्या डी, इसका डायमीटर क्या है डी, क्लियर है? बिल्कुल, डायमीटर क्या है डी। हमने एक बार लिया, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट बार, एक और बार लिया मैंने लो क्या है कि मैंने इस तरह की बार बनाई, ये है बार, सबको दिखाई दे रही है, और इसका मैंने डायमीटर बोल दिया है क्या 3D के बराबर है, किसके बराबर है 3D, और अगर ये 3D के बराबर है और मैंने बोल दिया जो लेंथ है वो हमारी क्या है हाफ है, L बाई टू के बराबर है, जो पहले लेंथ थी L उसके हाफ लेंथ ले ली, डायमीटर कर दिया 3 गुना, और इस केस को ले लिया सेकंड केस, बिल्कुल ठीक है। बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ, पूछ रहा है फाइंड क्या, फाइंड फर्स्ट पार्ट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस बिटवीन केस वन एंड टू, केस फर्स्ट एंड सेकेंड, केस फर्स्ट एंड सेकेंड ड्यू टू सेल्फ वेट, उसने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाए तो सेल्फ वेट होगा, बिल्कुल ठीक है, पहला चीज़ पूछ लिया है। दूसरा चीज़ पूछा है कि रेशियो बता दो, रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन बार फर्स्ट एंड सेकंड ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट, क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, इधर देखना, इसका मतलब यह हुआ कि हमने बात की है पहले तो मैक्सिमम स्ट्रेस की बात की है कि मैक्सिमम स्ट्रेस का रेशियो बता दो पहले और दूसरे बार के केस में, क्या इसने बोला है पहला जो क्वेश्चन है, इधर देखते रहना, समझने की कोशिश करना, इधर देख लो, बहुत मज़ा आने वाला है कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, कि इसने बोला है कि रेशियो बता दो मैक्सिमम स्ट्रेस का पहले और दूसरे बार के केस में सेल्फ वेट की, वैसे हमने अभी रिजल्ट देख लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं SSCJEE, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा लो, चाहे गेट का हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस का हो, चाहे स्टेट PCS वगैरह किसी का भी हो, क्लियर है ना? इधर देखना कि सर इसने बात कर रहा है रेशियो की, सिग्मा मैक्सिमम फर्स्ट वाले बार के केस में डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्सिमम सेकंड वाले बार के केस में, हमको बता दो क्या होगा सॉल्यूशन, ये चीज़ पूछी है पहले केस में। तो सबसे पहले तो हमें सिग्मा पता होना चाहिए ड्यू टू सेल्फ वेट, सिग्मा ड्यू टू सेल्फ वेट अभी हमने निकाला है, सेल्फ वेट की वजह से क्या निकाला है, कोई पूछ मत लेना, अभी निकाला है तुरंत, क्लियर है ना कि क्या होता है, कि सर क्या होगा, हमको क्या मालूम क्या होगा, कि सर ये होता है गामा इंटू एक्स के बराबर होता है, अगर मैं एक्स एक्स पे बात करता हूँ और मैक्सिमम की बात करूँगा तो क्या होगा एल पे होगा, हम अभी जानते हैं सिग्मा जो है सेल्फ वेट की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है लेंथ के बराबर है, और यहाँ पर ये दे भी रखा होगा इनका मटीरियल क्या है सेम मटीरियल है, क्या है सेम मटीरियल, और अगर सेम मटीरियल है तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, क्योंकि मटीरियल की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि ये क्या है सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, मैं लिख सकता हूँ सिग्मा मैक्सिमम वन डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्सिमम क्या निकालना है टू निकालना है, तो वो क्या होगा सर लेंथ वन बता दो डिवाइड बाई लेंथ टू, क्या लेंथ वन जो एल के बराबर है वन की, लेंथ टू की क्या है एल बाई टू, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एल बाई टू, इस एल से इस एल को गया ये ऊपर चला गया, तो यहाँ से आ गया रिजल्ट सिग्मा मैक्सिमम डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्सिमम सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू क्या फर्स्ट पूछा है, तो कितना आ रहा है टू आ रहा है, ये आ गया रेशियो, और यही क्या हमारा आंसर है, क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, सिग्मा मैक्सिमम तो आ गया, ये आ गया। अब उसने पूछा एलोंगेशन भी बता दो, क्या एलोंगेशन अभी हमने बताया था इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, चाहे डायमीटर 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, 6 गुना कर दो, करते रहो जिंदगी भर बढ़ाते ही रहो डायमीटर, मजा आ जाएगा, इधर देखते रहो। इसका मतलब ये हुआ सर डायमीटर पर जब डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्रॉस सेक्शन पर जब डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हमको मतलब क्या डायमीटर से, हमको सिर्फ लेंथ से मतलब है, लेंथ कितनी बड़ी है कितनी घटी है तो मजा आ जाएगा, क्लियर है ना? इधर देखो, हमने तुरंत बोल दिया लो सर एलोंगेशन की बात अगर मैं करूँ तो एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, मैं डायरेक्टली लिख दूं अब एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन प्रिज्मेटिक बार क्या होता है,
डेल्टा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, ये सब जानते हैं, अभी पढ़ा है बिल्कुल। तो हम तुरंत लिख देंगे डेल्टा वन डिवाइड बाई क्या पूछ रहा है डेल्टा टू, तो क्या हो जाएगा एल वन अपॉन एल टू का स्क्वायर। अब बहुत से लोग तो क्वेश्चन यहीं पूछ लेते हैं, लो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आने वाला है कि सर क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं वो तो बोलो, कि ये सर प्रोपोर्शनलिटी हटाया आपने इक्वल कैसे लिख दिया, हमको तो समझ ही नहीं कुछ आ रहा है क्या चल क्या रहा है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट दोनों में कॉमन होगा, जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो कांस्टेंट से कांस्टेंट तो तबाह हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे, इसीलिए लिख दिया डायरेक्टली। अगर जब भी कोई दो चीज़ों का कंपेरिजन करे अगर उसे डिवाइड कराए तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ का रोल होता है जिन पे वो डिपेंड कर रहा है, क्लियर है ना। तो उन्हीं का रेशियो करते जाओ और मज़ा लेते जाओ, क्लियर है। इधर देखते रहो, क्या एल वन की वैल्यू एल है, एल टू की वैल्यू क्या है एल बाई टू, क्या है एल बाई टू, यही वैल्यू है क्या, कहते ना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। और जैसे ही हमने लिया एल बाई टू का क्या चल रहा है, ये स्क्वायर चल रहा है, तो एल से एल को चीर दो, ये आ गया डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा सेकेंड, और यहाँ टू टू का क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, और ये आ गया रेशियो हमारा डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा टू का रेशियो, क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। कितने लोगों को वाकई में आज मज़ा आ गया है, कितने लोगों को लगा कि हाँ आज कुछ अच्छा लगा, अच्छा ही फील हुआ, इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ तो सिंपल सा इंटीग्रेशन था इसलिए हमने सीख लिया, क्लियर है ना। तो अब इसी तरह से क्या है पढ़ाई करती रहनी है, पढ़ाई क्या करो करते रहो मज़े से, अपने लॉकडाउन में पूरा टाइम का सही से यूटिलाइज़ करो। कितने लोग ये चाहते हैं, अब मैं कुछ थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ, इंट्रैक्शन करना चाहता हूँ कमेंट के जरिए, कितने लोग ये चाहते हैं कि सर इसी क्लासेस को कंटिन्यू करते रहो, ये दोनों क्लासेस कंटिन्यू करते रहो। कितने लोग ये चाहते हैं कि सर एक और एडिशनल सब्जेक्ट अगर हो जाता है तो करा दो। कितने लोग चाहते हैं, वाकई में जो लोग चाहते हैं कि हाँ सर अगर एडिशनल एक और सब्जेक्ट हो सकता है तो करा दो, नहीं तो ये दो सब्जेक्ट क्या है चलने दो एक एक घंटे। या फिर कोई अगर ये चाहता हो कि नहीं सर इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है, किसी को लग रहा हो कि सर 40 मिनट 35 मिनट का कम समय लग रहा है, कंटेंट कम कवर हो पा रहा है, जल्दी जल्दी अगर करना है तो हम वो भी करेंगे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स मुझसे कराएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्लियर है ना। पहली चीज़, दो चीज़ें मैंने बोली हैं, एक चीज़ तो आपको करनी है कि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही आपका पर्सनल बेनिफिट है, मेरा कुछ भी पर्सनल बेनिफिट नहीं है, क्लियर है ना। मैं किसी से यहाँ कोई चार्ज नहीं ले रहा, किसी से पैसे नहीं ले रहा। और दूसरी चीज़, कोई अगर ये सोच रहा हो कि सर तो 1000 सब्सक्राइबर करके पैसे कमाना चाहते हैं, हाय हाय बहुत लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। अगर पैसे अगर हम कमाना भी चाहते तो यहाँ फ्री में नहीं पढ़ा रहे होते, क्लियर है ना। अपने पास और भी कोई ऑफर है कि वहाँ पर किसी कोचिंग में भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कहीं भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ उन बच्चों की वैसे पढ़ाना चाह रहा हूँ जिन बच्चों को कहीं से भी क्या है अफोर्ड नहीं हो पा रही चीज़ें, क्लियर है ना। अगर कहीं से अलग से भी मैं पढ़ाऊँगा तो यहाँ पर कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, टेंशन किसी को नहीं लेनी। दूसरी चीज़ ये है कि ये 1000 सब्सक्राइबर मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगने लग गया है कि मैं सिर्फ कैमरे के सामने बोल के चला जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा किस बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, किसके मन में डाउट नहीं हो रहा। हो सकता है कई बार जब मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ, आज हम क्या है फ्रेंकली बात करेंगे कि कई बार मैं जब कैलकुलेशन करता हूँ तब एक आध इधर से उधर चीज़ें लिख जाती हैं, हमको पता नहीं चलता है, जल्दबाजी में फ्लो में क्या है चीज़ें लिख जाती है, जैसे टू की जगह फोर लिख जाता है, फोर की जगह टू लिख जाता है, या फिर कई बार फोर का क्यूब निकालते हैं की पावर फोर निकालते हैं तो हम डायरेक्टली क्या है डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते हैं, कभी 216 256 की जगह, ऐसे कुछ कमेंट आते हैं बच्चों के। तो मुझे ये चीज़ देख के बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ बच्चे जो है सिंसियरली इसको क्या है फॉलो कर रहे हैं, ताकि सिंसियरली आप फॉलो करोगे तो आपको मिस्टेक सामने से दिख जाएगी, कंसेप्ट कुछ भी गलत नहीं होगा, जो छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है वो आपको सामने से दिख जाएगी, क्लियर है। तो मुझे बस ये चाहिए कि वाकई में आपको लग रहा है कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो 1000 सब्सक्राइबर क्या करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। क्यों करने हैं, इसकी वजह मैंने बता दी है कि मैं YouTube पे ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूँ, मीन्स लाइव क्लासेज अरेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा 15-16 हमारे लेक्चर हो गए, 15-16 लेक्चर में मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, बस एग्जाम्पल ले सकता हूँ, बट क्वेश्चन अगर डिस्कस करने हैं तो मुझे क्वेश्चन को फ्रेम भी करना पड़ेगा यहाँ पर, क्लियर है ना। अदरवाइज मैं क्वेश्चन लिखूंगा, क्योंकि जैसे गेट में क्वेश्चन पूछे आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछे आते हैं, और मैं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को उठा के लाऊँ, क्लियर है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो इस बोर्ड पे तो क्वेश्चन ही आ पाएगा, क्लियर है ना। और अगर इस पर से क्वेश्चन मैंने मिटा दिया तो सॉल्व कैसे करेंगे बिना क्वेश्चन देखे। इसीलिए मेरा यकीन मानो कुछ भी ऐसा कोई भी नहीं है, फिर भी बहुत से लोगों के मन में तो ये ख्याल आ रहा होगा सर पैसा कमा लोगे आप ज़्यादा, कुछ पैसा वैसा नहीं कमा पाएंगे, अगर कमा भी लेते हैं तो आपका क्या लॉस जा रहा है, क्लियर है ना। आपको पर्सनल प्रॉफिट मैं करा के दे रहा हूँ, क्लियर है ना। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको 1000 सब्सक्राइबर का क्या है टारगेट रखना है, ये मान के चलना है कि ये चैनल क्या है
मेरा चैनल नहीं आपका चैनल है, आपके लिए खोला गया है और आपको इस पर क्या है पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, किसी से कुछ भी चार्जेज वगैरह नहीं ले रहा हूँ, एट द एंड तक नहीं लूँगा। कहीं कोई ये सोच रहे हैं कि नहीं सर पहले तो दो चार सब्जेक्ट पढ़ा देंगे फिर बोल देंगे पैसा दो तब पढ़ाएंगे, क्लियर है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार जो कमिटमेंट कर ली है, सलमान खान तो है नहीं कमिटमेंट तोड़े ना, क्लियर है ना, बट हाँ ये जरूर है कि इस चीज़ को मैं फुलफ़िल करूँगा, मैं अपने एंड से मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका क्या कंप्लीट करा दूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से कराऊँगा, बस 1000 सब्सक्राइबर मुझे दे दो फिर मैं प्रैक्टिस भी कराऊँगा क्वेश्चंस की, धमाकेदार रिवीजन भी करेंगे, धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और मज़ा आ जाएगा, और इसी तरह से क्या है पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और इसी तरह मैकेनिकल ट्यूटर को फॉलो करते रहेंगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, आज के लिए क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद, इसको क्या करते रहो कंटिन्यू फॉलो करते रहो, बाय।